क्या हुआ राज जी? दाई माँ का एक्सीडेंट हुआ है, हमें फौरन निकलना होगा। आज तो ये कॉफी पीकर करण को ऐसा सुकून मिलेगा, फिर किसी तकलीफ का एहसास नहीं होगा उसे। बहुत समझदारी दिखा रही हो तुम, मेरी बात मानकर। आज के बाद तुम भी खुश और तुम्हारा भाई। अब जाओ ये कॉफी लेकर। करण वो कॉफी मत पियो, उस कॉफी में जहर है। इसमें जहर कैसे हो सकता? ये तो अपनी लाडली आभा से पूछो। पहली बार भी कॉफी में जहर इसी ने मिलाया था। अभी व्हाट इज रॉन्ग विद यू? कभी तो सोच समझ के बात किया कीजिए आप। और ये सब किस लिए? इस तुच्छी सी इमारत के लिए? ये औरत ये स्वर्ण भवन अकेले हड़पना चाहती है। शट अप भाभी, आप पागल हो चुकी हैं भाभी। बोलो सच क्या है ताकि हम इस औरत का मुंह बंद कर सकें। देखा देखा आप लोगों ने, ये वही जहर की शीशी है। आप लोगों ने हमेशा इसी की तरफदारी की, इसे सर पे चढ़ाते रहे और हमेशा मेरे साथ भेदभाव किया। लेकिन आज नहीं, आज नहीं पापा। अब आप हमेशा कहते रहे कि आभा इस घर की सबसे जिम्मेदार बहू है, सिर्फ यही स्वर्ण भवन का ख्याल रख सकती है। आपने स्वर्ण भवन इसके नाम कर दिया, लेकिन मैं चुप रही। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने सोचा था कि मेरे बेटे को, इस खानदान के वारिस को, निशांत वीर प्रसाद को उसका हक मिलेगा, लेकिन हमेशा उसके साथ सिर्फ अन्याय हुआ है पापा। आप जो चाहती थी वो हो गया। हमारा कड़वा सच सबके सामने आ गया। अब हमें जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि हम जिसके लिए जी रहे थे वो तो हमसे छीन लिया गया। ये स्वर्ण भवन हमारा नहीं रहा और इन सबको हमारी सच्चाई का पता भी चल गया। हमें मर जाना चाहिए।